इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जलराम 50 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम टैबलेट को अकेले या डायबिटीज की अन्य दवाओं के साथ दिया जा सकता है। सभी डायबिटीज दवाएं स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के साथ इस्तेमाल करने पर अच्छी तरह से काम करती हैं। आपको जो डोज दी जाएगी वह आपकी कंडीशन, ब्लड शुगर लेवल और आपके द्वारा ली जाने वाली अन्य दवाओं पर निर्भर करेगी। इसे भोजन के साथ लेने से पेट की खराबी की संभावना कम होती है। अधिकतम लाभ पाने के लिए आपको इसे नियमित रूप से हर दिन एक तय समय पर ही लेना चाहिए और जब तक डॉक्टर सलाह न दे तब तक इसे लेना बंद नहीं करना चाहिए। यह आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है और भविष्य में होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करता है। इस दवा के सेवन के दौरान डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। आपकी जीवन शैली डायबिटीज को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस दवा से होने वाले सबसे आम साइड इफेक्ट में डायरिया, मिचली आना, उल्टी, पेट खराब होना, सिर दर्द और गले में खराश होना शामिल हैं। अगर आप इंसुलिन या सल्फोनिल्यूरिया जैसी डायबिटीज की अन्य दवाएं भी ले रहे हैं तो संभव है कि साइड इफेक्ट के रूप में ब्लड शुगर लेवल लो, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। इसलिए आपको जानना होगा कि इसे कैसे पहचानना है और इसे कैसे निपटना है। यह दवा सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपको किडनी, लीवर या हृदय रोग या अग्न्याशय की समस्या है या यदि आप बहुत अधिक शराब पीते हैं तो इसे लेने से पहले डॉक्टर को बताएं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अन्य दवाएं इस दवा के असर को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए आप जो भी दवाएं पहले से ले रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर को बताएं, जिससे आप सुनिश्चित हो सकें कि यह दवा आपके लिए सुरक्षित है। आपको शराब पीने से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। आपके डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले और इलाज के दौरान आपके किडनी फंक्शन और ब्लड शुगर के लेवल की जाँच करेंगे। जलराम टैबलेट के लाभ। टाइप 2 डायबिटीज मेलिट्स का इलाज। जलराम 50 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम टैबलेट दो दवाओं का एक मिश्रण है जो ब्लड शुगर के स्तर को कम करने के विभिन्न तरीकों से एक साथ काम करता है। ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना डायबिटीज को नियंत्रित करने का प्रमुख हिस्सा है। अगर आप अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित कर लेते हैं तो डायबिटीज से होने वाली गंभीर समस्याओं जैसे कि किडनी खराब होना, आंखें खराब होना, नसों से जुड़ी समस्याएं और अंगों की क्षति के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा डायबिटीज पर उचित नियंत्रण से हृदय रोग और स्ट्रोक का जोखिम भी कम हो सकता है। उचित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा का नियमित सेवन आपको स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने में मदद करेगा। निर्धारित अवधि तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखें क्योंकि इससे आपके भावी स्वास्थ्य की सुरक्षा हो रही है। जलराम टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। जलराम के सामान्य साइड इफेक्ट। हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, सिहरन, सिर दर्द, चक्कर आना, मिचली आना, वजन बढ़ना। जलराम टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। जलराम 50 मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम टैबलेट भोजन के साथ लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।